बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में स्थित गढ़ा ग्राम देश विदेश में चर्चित हो रहा है। यहां पर विराजे बागेश्वर बालाजी सरकार पर लोगों की आस्था दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दिनांक 16 मार्च की शाम को बागेश्वर धाम सरकार पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अमानगंज के गीतांजलि पैलेस पहुँचे। गीतांजलि पैलेस में शिष्य मंडल के द्वारा कलश यात्रा और फूल माला के साथ पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का स्वागत किया गया, जिसके बाद हजारों की संख्या में बैठे भक्तगण और शिष्य मंडल को गुरु धीरेन्द्र शास्त्री जी ने रामायण के कुछ अध्याय का व्याख्यान कर लोगों को भक्ति के रंग में जोड़ा और उपस्थित लोगों को आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने कहा, अमानगंज में जल्दी ही भक्तिमाल की कथा कार्यक्रम रखी जाएगी। बागेश्वर धाम की अमानगंज भक्त मंडल बागेश्वर धाम से खूब जुड़ा हुआ है और बागेश्वर धाम भक्त मंडल का एक पूरा समूह है जो सनातनीय संस्कृति का घर घर प्रचार व पूरे क्षेत्र में कर रहा है। आज हम अमानगंज आकर के हमारे जितने भी स्नेहजन सनातनी हैं, राम भक्त हैं, उन सबको 22 मार्च से 30 मार्च तक जो बागेश्वर धाम पर बुंदेलखंड का महाकुंभ लगने जा रहा है उसका न्योता देने आए हैं। बुंदेली में कहें तो न्योतो देवी आए लुचन को, कोई जिला नहीं, 22 मार्च से 30 मार्च तक करीब सब जन को न्योतो है बुंदेलखंड के महाकुंभ के लिए। हमें इसी परिपक्ष में यहाँ पर जो है एक स्थल पर आना। बागेश्वर धाम सरकार द्वारा गोरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो कारगर साबित हो रहा है, क्या कैसा अभियान रहा है? बहुत सुंदर अभियान है। कई लोगों ने हमसे कहा कि गौशाला खोलिए, आप गौशाला रखिए। हमने कहा गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। गौशाला गौ माता की रक्षा गौशाला से नहीं हो सकती। अगर गौशाला से गौ माता को बचाया जा होता तो आज तक इतनी गौशालाएं बनी, रोड से गौ माता गायब हो गई होती, गौशाला में पहुंच गई होती, पर गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। जब तक हम प्राचीन पद्धति की तरफ नहीं लौटेंगे तब तक गौ माता हमारी सुरक्षित संरक्षक नहीं होगी और भारत हमारा विश्वगुरु नहीं बनेगा। प्राकृतिक स्वच्छ पर्यावरण को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है बागेश्वर धाम सरकार द्वारा, क्या कैसा रहा, कैसे? लगभग 3 लाख वृक्षों का रोपण हो गया, 11.25 लाख वृक्षारोपण का महासंकल्प है जो लगातार 3 वर्ष में हमारा करने का प्रयास है, पूरा परिकर्ष है, जो आप सब हमारे से नहीं, आप लोग भी लगाएंगे तो आप लोग भी साथ देंगे। और बहुत बड़ी बात है कि उन सब वृक्षों को जियो टैग करने वाले। श्रीमान जी, लोगों को धार्मिक उससे जोड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्षेत्र के लोग या पूरे कि भारत को विश्वगुरु बनाना है तो सनातनीय संस्कृति से जुड़ें, वैदिक परंपरा से जुड़ें। और हम तो एक ही नारा वर्तमान में दे रहे हैं, आओ लौटें वेदों की ओर, आओ लौटें वैदिक संस्कृति और संस्कार की ओर, ताकि हमारा प्रत्येक युवा नशा से बच करके राम के नशा में चकनाचूर रहे और भारत हमारा विश्वगुरु। श्रीमान जी, संस्कृत में कोई श्लोक गीता का जो लोगों को सार्थक से श्लोक है जो हमें जीवन में शिक्षाएं देते हैं, अनेक अनेक श्लोक है। यदा यदा धर्मस्य अग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मनः। बड़े बड़े महापुरुष भगवत गीता में श्री ठाकुर जी कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान अवतरण लेकर के आते हैं। और वर्तमान में तो हम यही कहेंगे, भारत के संत गौ माता भगवान का ही रूप है, उन संतों महापुरुषों की चरण धूलि को सब पकड़ो। और सभी युवाओं से हम यही कहेंगे, जितने हमारे युवा हैं, आप ये साधारण नशा में अपने शरीर को, यौवन को, तन को, मन को बिल्कुल मत खराब करो। आपको अगर नशा करना है तो एक शेर याद आ रहा, जाम क्यों पीते हो जाम, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी, अरे मूर्ख गोविंद नाम पीकर तो देख जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। बोले बागेश्वर धाम की जय। अमानगंज श्रीमान जी, अमानगंज में कोई धार्मिक कार्यक्रम आपका जो श्रीमत बात? बहुत जल्दी बागेश्वर बालाजी ने चाहा, आप सबका सहयोग रहा, बागेश्वर मंडल तो बहुत दिन से हमको आदेश कर रहा है कि महाराज जी आना है, पर क्या बतावे इतनी ज्यादा दास की व्यस्तता है, 2023 तक की कथाओं का जो शेड्यूल है वो बोले। बहुत जल्दी हम अमानगंज जाएंगे, एक कथा भक्त मालिक सुनाए।